असलम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख जिम लाइफ विद जीरक। सॉरी, ये दर्द कर रहा है। जीरक कैसे जिम बॉडीज ट्रेनिंग कर रहे हैं, बेहतरीन है सब। दोस्तों आज की वीडियो बहुत जरूरी है। तमाम बॉडी बिल्डर्स जो प्रेप करते हैं, स्टेरॉइड यूज करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें जो मैंने बात डिस्कस की हुई, ये सवाल मुझसे अक्सर डीएम्स में, इंस्टाग्राम में मेरे दोस्त पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो मैंने क्यों सोचा क्यों ना इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मैसेज में या फिर आपको कमेंट सेक्शन में बंदा प्रॉपर नहीं समझा सकता। तो इससे मैंने सोचा पूरी वीडियो बनाए। टॉपिक हमारा ये है पीसीटी के बारे में, पोस्ट साइकिल थेरेपी, जो कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवाल यह आता है कि दोस्तों स्टेरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद कितनी देर बाद पीसीटी स्टार्ट करनी चाहिए, एक हफ्ते बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद, क्योंकि तमाम जितने भी स्टेरॉइड्स होते हैं सबकी जो हाफ लाइफ होती है वो सेम नहीं होती। अब हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जितनी देर के लिए एक स्टीरोइड आपकी बॉडी में एक्टिव रहता है। तो समझ तो आप गए होंगे, हर स्टीरोइड जो होता है उसकी अलग अलग हाफ लाइफ होती है, उनके अलग अलग एस्टर होते हैं। कुछ लॉन्ग एक्टिंग एस्टर होते हैं, कुछ शॉर्ट एस्टर होते हैं। कुछ स्टीरोइड्स की जो हाफ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है और कुछ स्टीरोइड्स की हाफ लाइफ कम होती है। इसलिए हर स्टीरोइड साइकिल के बाद उसकी पीसीटी स्टार्ट करने की ड्यूरेशन भी डिफरेंट होती है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। तो दोस्तों पहले थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा रिकैप पीसीटी का। पीसीटी एक्चुअली है क्या? पीसीटी दोस्तों होती है पोस्ट साइकिल थेरेपी। जब आप स्टेरॉइड साइकिल स्टार्ट करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, आप बाहर से हार्मोन लेते हैं, तो आपके जिस्म में जो सिस्टम होता है सारा हार्मोन्स का, वो सारा हो जाता है खराब। और टेस्टोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है, जो कि आपका मेल प्राइमरी मेल हार्मोन होता है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो या तो स्टंट हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, या फिर वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और उसके बाद जो एस्ट्रोजन होता है, जो कि फीमेल हार्मोन है, वो आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अपने इन तमाम निजामों को दोबारा से रेगुलेट करने के लिए, अपने टेस्ट लेवल को दोबारा से हाई करने के लिए नेचुरली, और एस्ट्रोजन लेवल को दोबारा से कम करने के लिए हम करते हैं पीसीटी, पोस्ट साइकिल थेरेपी। और अगर पीसीटी के बारे में नहीं पता कि पीसीटी आपने कैसे करनी है, ड्यूरेशन तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आपने कितनी देर बाद स्टार्ट करनी है, लेकिन अगर आपको मेडिकेशन का ही नहीं पता कि आपने कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है पीसीटी के दौरान, कब कब यूज करनी है, कितनी कितनी यूज करनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसकी कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। सबसे पहले हम मोस्ट कॉमनली जो स्टेरॉइड्स यूज की जाती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनको खत्म करने के बाद कितनी देर बाद हमें अपनी पीसीटी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी सबसे कॉमन, सबसे आम यूज होने वाली स्टेरॉइड के बारे में, जिसको हम डेका और टेस्टा की साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर तो आप डेका टेस्टा की साइकिल कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं या फिर अलग अलग कर रहे हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने स्टेरॉइड साइकिल अपनी खत्म कर ली, तो आप अपनी स्टेरॉइड साइकिल खत्म करने के बाद तकरीबन 2 हफ्ते का गैप देंगे और उसके बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट कर देंगे। मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आपने अपनी स्टेरॉइड साइकिल का जो लास्ट इंजेक्शन, जो कि अपनी लास्ट डोज अगर आपने ली है 1 तारीख को, तो आप अपनी पीसीटी की पहली डोज लेंगे 15 तारीख को, उस महीने की 15 तारीख को, ठीक 2 हफ्ते के बाद। इसके अलावा अगर आपने साइकिल की है टेस्ट साइपोनेट, यानी कि टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट की या फिर सुस्टानोन की, तो आपको अपनी पीसीडी तकरीबन 2 से 2.5 हफ्ते बाद स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको अपनी डोज का जो है लास्ट टीका, साइकिल की डोज का लास्ट टीका जो है वो लगा है 1 तारीख को, तो आपने 18 से 20 तारीख को, उस महीने की 18 से 20 तारीख को अपनी पीसीडी स्टार्ट कर देनी है। अब बात करते हैं ओरल स्टेरॉइड के बारे में कि अगर आप एनाड्रोल की, ऑक्सीमेथालोन की साइकिल करते हैं, डेनाबोल की साइकिल करते हैं, तो उसकी साइकिल खत्म करने के बाद आपने कितनी देर बाद अपनी पीसीडी स्टार्ट करनी है। इन दोनों की जो होती है हाफ लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है, आपको अपनी पीसीटी 12 से 18 घंटे बाद स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। यानी कि अगर सपोज मैंने अभी डेनाबोल या फिर ऑक्सीमेथालोन का एक टेबलेट खाई है उसकी, तो फिर अब से तकरीबन 18 घंटे बाद मैंने अपनी पीसीटी की पहली डोज ले लेनी है। बाद हम बात करेंगे टेस्ट प्रोपोनेट की, यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रोपोनेट की, जो कि इस्तेमाल किया जाता है कटिंग के लिए। और इसके साथ जो दूसरा स्टेरॉइड यूज किया जाता है बहुत ज्यादा कॉमनली, उसका नाम है ट्रेम्बोलोन एसीटेट। तो अगर आप ट्रेम्बोलोन एसीटेट की साइकिल कर रहे हैं टेस्ट प्रोप के साथ कट्ठी कर रहे हैं या फिर अलग-अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी साइकिल खत्म करने के बाद आपको 3 दिन बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट कर देनी चाहिए। यानी कि अगर आज 1 तारीख को अगर मैं अपनी स्टेरॉइड साइकिल खत्म करता हूं ट्रेन की और टेस्ट प्रोब की, तो ठीक 3 दिन बाद यानी कि 4 तारीख को मैं अपनी पीसीटी स्टार्ट कर दूंगा। दो स्टेरॉइड्स जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कटिंग में भी और लीन बल्क में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिनका नाम है बोल्डिनोन और प्रिमाबोलान। इन दोनों की हाफ लाइफ भी काफी ज्यादा होती है। यानी कि अगर आज आपने प्रिमाबोलान की साइकिल खत्म की है या फिर बोल्डिनोन की साइकिल खत्म की है, ये इकट्ठे कर रहे हैं, अलग-अलग इस्तेमाल कर रहे हैं आप किसी और कंपाउंड के साथ, तो अगर आज 1 तारीख को आपने अपनी लास्ट डोजेज, लास्ट इंजेक्शन लिया है प्रिमाबोलान का या फिर बोल्डिनोन, तो आज से ठीक 14 दिन बाद या फिर 2 हफ्ते बाद अपनी आप पीसीटी स्टार्ट कर देंगे। आखिर में एक स्टेरॉइड के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमने वीडियो अभी तक नहीं बनाई, लेकिन बहुत जल्द मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में ये वीडियो लगे मैं आ जाऊंगा। उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो टेस्ट सस्पेंशन होता है इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि अगर आपने अभी टीका लगाया है टेस्ट सस्पेंशन का अपना आखिरी, तो आपने 6 से 8 घंटे बाद अपनी पीसीटी स्टार्ट कर देनी। जी हाँ, 6 से 8 घंटे बाद अपनी पीसीटी आप स्टार्ट कर देंगे अपना लास्ट इंजेक्शन लगाने के बाद। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैं अब हर स्टेरॉइड को कवर कर नहीं सकता,
लेकिन ये वो स्टीरॉइड है जिनको आमतौर पे यूज या फिर अब्यूज किया जाता है। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।